पंचम श्रेणी भाई भोनी मानको स्वागत करूछी मु पुरुषोत्तम गुरुजी। आजिरो कालांशरे आमे आलोचना करिवा मातृभाषा बहिरे थिबा प्रसंग उत्कल पुत्र त्यारी महल ताकर विषय आमे आजि पढिबा ताकर विषय आमे आजि जानिबा। ए प्रसंगटिकु लेखि छथि डॉक्टर भ्रमरवर सामल। आजकु प्राय 100 वर्ष तलर कथा से काल गोटे पत्रिका रे दरखास्त जुतिया अर्थात जोता मानकर निवेदन नाम रे व्यंगात्मक लेखाटी प्रकाश पाइला। केत वर्ष तलर कथा पिला माने 100 वर्ष तलर कथा जहा कि हमर देश स्वाधीन हवा पूर्व सेतेबेले जो पत्र पत्रिका आम ओडिशा रे प्रकाश पाउथला सेतेबेले सेही पत्रिका रे सेति मध्यरु गोटिए पत्रिका रे दरखास्त जुतिया बोली फ्रंट पेज रे प्रथम पाखरे गोटे लेखा प्रकाश पाइथला व्यंगात्मक कथा। व्यंगात्मक अर्थ तद्रूप करी कहिबा अन्य जनकु तद्रूप करी कहिबा जहा कि ताकु व्यंगात्मक कहुए दरखास्त जुतिया तार अर्थ थिला जोता मानकर निवेदन से विषय आम आज पढ़ा। यहा कटक सहर आवर्जनापूर्ण अपरिशुत रास्ता को लक्ष्य कर लिखा जाता जो दरखास्त जुतिया लिखा जाता ता कटक सहर आवर्जनापूर्ण गली रास्ता जोड़ी की सफा नाला परिष्कार ना लोक मैंने हईराण होते इंग्रेज सरकार समय से कथा को से पत्रिकार लिखा जा इंग्रेज मान लेखाटी प्रतिक्रिया सृष्टि कला। इंग्रेज मैंने रागिगले जो अफिसर मैंने इंग्रेज अफिसर मैंने बड़ बड़ुआ पदवीर लोक मैंने सब रागिले पेपर को देखी सारा पर आरे एमती लेखा किए लिखला से इंग्रेज मैंने देशर शासनकर्ता से लेखाटी प्रतिक्रिया सृष्टि कला। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट एरविन साहेब अत्यधिक भाव रागिगले से जिलार मजिस्ट्रेट थिले एरविन साहेब से इंग्रेज लोक से पेपर टी पढ़ी सारा पर यह कथाटी पढ़ी सारा पर अत्यंत रागिगले। लेखाटीर प्रकृत लेखक किए बोली खोजा चलला आरे ए प्रकार लेखा किए लिखला खोजा चलला जना पड़ा जे लेखक जनक हेउची कटक कलेजर द्वितीय वार्षिक श्रेणीर जड़े छात्र कटक कलेजर से पाटी पढ़ुला जी कि ये प्रसंग ये जो लेखाटी को दरखास्त द्वितीया लेखा को जी प्रकाश कर कटक कलेजर द्वितीय वर्षर छात्र से कलेजर अध्यक्ष थे चंडीचरण बाबू। चंडीचरण बाबू से कलेजर अध्यक्ष थे अध्यक्ष मान कौन प्रिंसिपाल मुख्य लोक कलेजर सी थे सरकारी निर्देश दिगला उक्त छात्र को कलेज रु बहिष्कार करने संगे संगे लेखाटी को देखी इंग्रेज सरकार से कलेजर कटक कलेजर जो अध्यक्ष को चंडीचरण बाबू को से कौन कले निर्देश दे पाटा को जे लेखा लिखी ये पाटा को शीघ्र कलेज रु बहिष्कार कर दिए। चंडीचरण बाबू पाटी को निज ऑफिस को डकाई क्षमा मागे परामर्श दे किंतु स्वाधीन चेता निर्भीक छात्र टी सम्मत है कौन करू से कलेजर अध्यक्ष जो चंडीचरण बाबू से जो पाटी लिखी से धरा पड़ा ताकू डाक कहले
तमे एंती काही लेखिचो तमे क्षमा प्रार्थना करो भूल माग नहले तमको ए कॉलेज रे आउ पढिवार सुजोग मिलिव नाही किंतु प्रिंसिपल अंकर ए उत्तर रे छात्र डी कहितला नाय आज्ञा मु सबबळे अन्याय विरुद्ध रे कुसंस्कार विरुद्ध रे दुर्नीति विरुद्ध रे मु स्वर उत्तोलन करे आउ मु ठीक कथा डी वास्तव कथा डी मु पेपर रे लेखिछि तेणु मु ए बाबद रे क्षमा प्रार्थना करि पारिबे नाही भूल मागि पारिबे नाही जेमिति छात्र जनक अध्यक्षक कथा रे अराजी हेले राजी हेले नाही क्षमा मागिया पई मना कर देले तापरे अध्यक्ष ताकु कॉलेज रु बाहर कर देले दृढ़ मना व्यक्ति निज सिद्धांत रे अटल रही बहु बाधा विघ्नर सम्मुखीन होइथांती किंतु से दृढ़ता ही तांकु परिशेष रे अपूर्व साफल्य आनी देथाय लेखक लेखिछंती जे दृढ़ मना व्यक्ति जो माने निज उपरे आत्मविश्वास अटल आत्मविश्वास अछि से माने प्रथम प्रथमे हैरान होइथांती किंतु विभिन्न बाधा विघ्नर सम्मुखीन होइथांती प्रथम प्रथम किंतु शेषरे से दृढ़ता ही तांकु परिशेष रे अपूर्व साफल्य आनी देथाय से शेषरे सफलता पाइथाय एही दृढ़ मना छात्र जनक हेउछंती उत्कल बरपुत्र प्यारी मोहन आचार्य आम ओडिशार बरपुत्र उत्कल बरपुत्र प्यारी मोहन आचार्य केतबेले से कॉलेज रे पढ़ुथिले छात्र थिले सरकारी शिक्षा अनुष्ठान मनोमुखी नीति जो से कॉलेज रु बहिष्कृत हेबारु मन रे घोर विकृष्णा भाव जात होला जेतबेले से कॉलेज रु बहिष्कार हेले सेतबेले ताकु बाहर कर दिया कॉलेज रु बाहर कर दिया गला ताको मन भितरे घोर विकृष्णा भाव जात होला से रागी गले ये सरकारी शिक्षा अनुष्ठान रे ओळी मनोमुखी शासन चली शपथ ने निजे गोटे निज उद्यम बेसरकारी शिक्षानुष्ठान बढ़ावाई दृढ़ मना छात्र जनक होती उत्कल बरपुत्र प्यारी मोहन आचार्य सरकारी शिक्षानुष्ठान मनोमुखी नीति जो से कॉलेज रु बहिष्कृत होवा मनरे घोर विकृष्णा जात होगा से संकल्प ने सरकारी नियंत्रण मुक्त एक स्वाधीन शिक्षानुष्ठान गठन करिवे से सत कहवा जीवन में जहाँ घटला यह कौन सी स्वाधीन मुक्तिकामी मनीषर भाग्य न जुटू से अनुताप कले प्रति जमी व्यवहार करागला कलेज रु बहिष्कार कर दिगला जड़े मुक्तिकामी लोक स्वाधीन चेता स्वाधीन चिंताधारा लोक जमी हईराण करागला सेमती आउ का जीवन में न घटू यही कथा सीए चिंता कले संकल्प रु जन्म नेला कटक एकाडेमी नाम एक मध्य इंग्राजी विद्यालय सीए सरकारी कलेज रु बाहरीगला जो शपथ ने करी बेसरकारी शिक्षानुष्ठान बढ़ी से जो सिद्धांत नहीं थे गढ़ाला कटक एकाडेमी नाम एक इंग्राजी विद्यालय मध्य इंग्राजी विद्यालय यह विद्यालय टी कटक ठारे 1975 मसीह स्थापन करा गला परे 1879 मसीह रे या उच्च इंग्राजी विद्यालय रे परिणत हला प्रथमे प्यारी मोहन निजे ए विद्यालय रे शिक्षकता करथिले विद्यालय आर्थिक अवस्था को सुधारिया पाई परवर्ती समय से अन्यत्र चाकरी कले से जो कटक एकाडेमी नाम रे जो शिक्षानुष्ठान गढ़ले सेठी चलिया प्रथम प्रथम घोर आर्थिक असुविधा से विद्यालय छाड़ी अन्यत्र चाकरी कले ठीक अच्छे आम जी पढ़ले कि पिला माने आमे जेती पढ़िले तार किछि प्रश्न आ उत्तर
कलापटरे लेखुचि तुम्हें सब देख तार उत्तर खातार टीपि रख। एक नंबर प्रश्नटी हूँ उत्कलपुत्र प्यारीमोहन प्रसंगर लेखक किए तुमको किए लेखक डॉक्टर भ्रमरवर सामल। ए उत्तर जगह आम लिखा डॉक्टर भ्रमरवर सामल भ्रमरवर सामल। प्रथम प्रश्न उत्तर पाइगले। द्वितीय प्रश्न है दरखास्त द्वितीय लेखाटी क्यों प्रकार लेखा थिला जो कागज जो बाहर खबर कागज दरखास्त द्वितीय क्यों प्रकार लेखा थिला गल्प थिला ना कविता थिला ना गद्य थिला कि प्रकार लेखा थिला ना पद्य थिला कि प्रकार लेखा थिला ता एक थिला व्यंगात्मक। ए उत्तर लिखा व्यंगात्मक। बुझेगा व्यंगात्मक लिखले तापर आसला तीन नंबर छात्रटी को कौन कहवा पाई अध्यक्ष कहते छात्रटी को कौन करवाई से कॉलेजर चंडीचरण बाबू कहते बाध्य करते तुमको पढ़ल हमें क्षमा मागिबा पाई तार उत्तर हूँ क्षमा मागिबा पाई। समस्ते खाता कलम लिखियो क्षमा मागिबा पाई। तापरे चार नंबर प्रश्न कटक एकाडेमी नाम विद्यालय केबे स्थापन करागला प्यारीमोहन जो कटक एकाडेमी नाम जो विद्यालय की स्थापन करते के मसीह 1875 मसीह उत्तर लिखे कौन ना 1875 मसीह स्थापना कर। बुझीगला चारिटा प्रश्न उत्तर आम जाने आउ प्रसंगटी को किसी पढ़ले तापरे पुणी आसंता कालांश आउ किसी आलोचना करवा बर्तमान आउ गोटे पाराग्राफ आम पढ़ देख सी जो कॉलेज अन्यत्र से जो विद्यालय की स्थापना कले कटक एकाडेमी परवर्ती अवस्था 1879 अर्थात 4 वर्ष पर मध्य इंग्राजी विद्यालय परिणत होला से प्यारीमोहन निजे यही विद्यालय शिक्षकता करथिले आउ विद्यालय आर्थिक अवस्था को सुधारिबा पई परवर्ती समय रे से अन्यत्र चाकरी करे काई ना टंका दरकार शिक्षानुष्ठान चलिया पई जो माने सेथरे नियोजित थिले पाठ पढ़ाऊ शिक्षकता करूले से कि दक्षिणा देवा हेब एवं विद्यालय अन्यान्य खर्च तुलाइबापी अभाव पड़वर सी अन्त्र चाकरी कले कि सी प्रथम से शिक्षकता निजे चाकर जहाँ उपार्जन करुले से सबुतक विद्यालय परिचालना व्यय करुले मान खर्च करुले देहांत पर यह विद्यालय प्यारीमोहन एकाडेमी नाम नामित होशार शिक्षा क्षेत्र में विद्यालय की मुख्य भूमिका ग्रहण कर बहु सुनामधन्य व्यक्ति एठार शिक्षकता करते भारत स्वाधीनता संग्राम महान रथी लाल बाल पाल बंगलार विपिन चंद्र पाल ये विद्यालय प्रधान शिक्षक भावे किछि दिन कार्य करथिले शुणी जो पिला माने लाल बाल पाल लाल कौन ना लाला लजपत राय लाल बाल हेले बाल गंगाधर तिलक आउ पाल बिपिन चंद्र पाल ए तीन जन मध्यरु बंगलार से बिपिन चंद्र पाल जे कि से विद्यालय रे मध्य शिक्षकता करथिले से प्यारीमोहन एकाडेमी शिक्षकता करथिले। ओडिशा
भाषा और साहित्य क्षेत्र रे प्यारी मोहन आचार्य को अवदान अविस्मरणीय भूली होबो नै अविस्मरणीय जहां चिरदिन पाई मने रहि जाए स्मरण रहि जाए ताकु कहंती अविस्मरणीय भूली होबो नै अविस्मरणीय उड़िया जातिर एक घड़ी संधि मुहूर्त रे तांकर जन्म जतबेले ये उड़िया जाति निष्पेषित अवस्था रे थिला निद्रित अवस्था रे थिला सेही समय तांकर जन्म आइथिला क्षण जन्मा प्यारी मोहन को आयु सीमा थिला मात्र 30 वर्ष बेसी दिन बंची नथिले प्यारी मोहन आचार्य मात्र 30 वर्ष तांकर आयु सीमा थिला 30 वर्ष मध्य रे से अनेक किछि काम ओडिसा पई करथिले क्षण जन्मा अर्थ अल्प समय पई जे जन्म हिथिले अल्प समय भितरे पुनी पृथ्वीरु विदाय नेले ताकु कहिबा कुआ जाउछि क्षण जन्मा से आंतरिक भाव रे उत्कल को भल पाउथिले ताकर जीवन थिला संग्रामी ओ स्वाधीनता साधनार जीवन से निजर परिणय थिले उत्कलर भाषा और संस्कृति को फलरे उत्कलरे शिक्षा विकास समाज कल्याण और देश सेवा निमन्ते निज उत्सर्ग करि दैथिले ए प्रश्नटी मने रखिबो आगामी पंचम ऑनलाइन एकक परीक्षा रे दुईटी विषयरु प्रश्न आसीबो गोटी हला ए उत्कल पुत्र प्यारी मोहन एवं द्वितीयटी हेउछि देशभक्त लक्ष्मण नायक ए विषय तुम पाखकु हैंड नोट सब पठा जाउछि ताकु पढिबो किछि किछि घर पाठ मध्य दिया जाउछि तार उत्तर लेखि मो व्हाट्सएप नंबर को पठेइबो एवं देशभक्त लक्ष्मण नायक रे मध्य सेई दुईटी कारांश ऑनलाइन क्लास हेथला हम जो लाइव क्लास गूगल मीट रे क्लास हेथला ताकु मध्य जुवान देखिछ से बेस आलोचना हेथला पुणी आसंता कालांशर मध्य आलोचना करिबा दुईटी विषय को भल भाव बुझिबा निश्चित ए दुईटी विषय रु परीक्षा रे प्रश्न आसीबो आज बाई एतिकले रहिबा समस्तन को धन्यवाद।